आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट और रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हम सभी लोग जो वृंदावन से जुड़े हुए हैं या किसी भी गुरु या किसी भी परंपरा से जुड़े हुए हैं, प्रायः सभी लोगों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान है। सभी लोग अपने अपने भाव अनुसार गोपाल जी को लाल लड़ाते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं। यदि कहा जाए तो प्रत्येक वैष्णव के घर में लड्डू गोपाल जी की बाल रूप में सेवा की जाती है और दर्शन भी उसका होता है कि हम लोग भांति भांति से गोपाल जी को लाल लड़ाते हैं। आज लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में ही आप लोगों के मध्य चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करते हैं, परंतु थोड़ा सा विचार अवश्य करें, क्योंकि जो मैंने देखा है और जो देखा था उसी के अनुसार जो मेरा भाव आया वह आप लोगों के मध्य में निवेदन करने हेतु उपस्थित हुआ और YouTube के माध्यम से आप लोगों तक एक संदेश भी आज देना चाहूँगा कि हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन गोपाल जी का सेंटा क्लॉज के रूप में श्रृंगार करते हैं। हम लोग उन्हें उनके अकॉर्डिंग लाल कपड़े पहनाकर सफेद दाढ़ी वगैरह लगाकर उनका श्रृंगार करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। उसी हम लोग सेवा तो कर रहे हैं, परंतु सेवा का स्वरूप भी धीरे धीरे देखते जाएं तो बदलते जा रहे हैं। आपको एक भक्त के चरित्र के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ठाकुर जी के एक भक्त हुए जिनका नाम था सूरदास। सूरदास जी हम सभी लोग जानते हैं जन्मांध थे, वह जन्म से ही अंधे थे और वह अपने नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते थे, परंतु उनकी ठाकुर जी में इतनी भावना और इतना भाव था कि रसिक और आचार्य बताते हैं कि ठाकुर जी बाल रूप में स्वयं दिव्य दृष्टि से सूरदास जी को दर्शन देते थे और सूरदास जी ठाकुर जी के स्वरूप का और ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते थे। उनके पद, दोहे और सवैये, उन सभी को हमने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार पढ़ा भी होगा। उसी में से एक पद में सूरदास जी ने ठाकुर जी के बाल लीला का वर्णन किया। वह पद इस प्रकार सूरदास जी वर्णित करते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेपन किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लटकट कनी मनु मत मधुप गगन मादक मधु ही पिए कंठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये धन्य सूर एको पल दीही सुख का सत कल्प जिए शोभित कर नवनीत लिए। तो सूरदास जी ठाकुर जी की वाल लीला का वर्णन करते हुए जो उन्हें दर्शन हुआ उस स्वरूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि गोपाल जी घुटनों घुटनों चल रहे हैं, जिनके पैरों में पजेम बज रही है और हाथ में माखन लिए हुए, नवनीत माखन लिए हुए, माखन का एक लोना वह लिए हुए हैं और उनके मुख पर दही का लेपन हो रखा है और इस भांति वह घुटनों घुटनों नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं और उनके मस्तक पर बड़ा ही सुंदर और दिव्य तिलक लगा हुआ है उनके लालाट पर और जो उनके केश हैं घुंघराले केश जो उनके गालों को स्पर्श करते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो करोड़ों भवरे उस रूप माधुरी को पान कर एक मद में, जो कहा जाता मदिरा का जो मद होता है, उस तरह मतवाले हो गए उस मद में। और इस छवि को वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि
उनके कंठ में बड़ा ही सुंदर कंठा एवं वह दिव्य छवि के दर्शन हम लोगों को दे रहे हैं। और सूरदास इस छवि का दर्शन करते हुए कहते हैं कि अनंत जन्मों की प्यास इस छवि को देखकर बुझ जाती है। इस प्रकार से सूरदास जी ने अनेकों पदों में, अनेकों दोहे और सवैयों में लड्डू गोपाल के रूप का वर्णन किया और उनका स्वरूप हम लोगों को दिखाया। मीराबाई सा जो गिरधर गोपाल की अनन्य भक्त हम सभी लोग परिचित हैं, वह भी राजस्थान से, उन्होंने भी कहा कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जिनके हाथों में बांसुरी है और अधरों पर मुस्कान पीला पीतांबर है, इसी प्रकार यदि हम बिहारी जी की विनय पचासा का दर्शन करें तो उसमें भी उनके संपूर्ण श्रृंगार और संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया गया है। आप सबको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। जहाँ सूरदास जी जन्मांध थे और उन्होंने गोपाल जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया और गोपाल जी ने उन्हें स्वरूप के दर्शन भी देते थे, और आज हम लोग नेत्र होने के बाद भी अपने शास्त्रों, अपने वेदों, श्रीमद् भागवत कथा में भी अनेकों लीलाएं वर्णित हैं और ठाकुर जी का स्वरूप बताया गया है। कहीं हमारी सेवा में जो आज हम लोग कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चश्मा लगाना, उन्हें कैप पहनाना, बच्चों जैसे जो मार्केट में सूट बनते हैं बच्चों के, वह सूट उन्हें पहनाना, और अब तो कोरोना वायरस आने पर उन्हें मास्क भी लगाए जा रहे हैं, ये छवि भी दर्शन करने को मिली। और क्रिसमस डे वाले दिन हमने देखा कि गोपाल जी को अधिकांश लोग सेंटा क्लॉज जैसा बना देते हैं। यदि हम आपसे कहें कि हम अगर क्रिसमस डे वाले दिन अपने गोपाल जी को भाव निवेदन कर रहे हैं कि हम उन्हें सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, तो क्या चर्च में जन्माष्टमी वाले दिन जो उनके देवता हैं या जो भी जिन्हें वह मानते हैं, क्या वह उनका ठाकुर जी के रूप में श्रृंगार करते हैं? क्या वहां पर मंगल बधाई गायन किया जाता है या वहां पर बधाइयां होती हैं या ठाकुर जी के स्वरूप में उनके दर्शन कराए जाते हैं? यदि मैं आपको खुलकर बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वह लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम लोगों को पता नहीं किसने ये ज्ञान और कहां से ये स्वरूप, अभी कुछ ही समय, मैं मानता हूं 3-4 वर्ष पूर्व से ही ये सब देखने में आया कि हम ठाकुर जी को भी अपने अनुसार ढाल रहे हैं। जबकि भक्त का और वैष्णव का नियम तो यह है कि वह ठाकुर जी के अनुसार स्वयं को ढाल ले। जो स्वरूप ठाकुर जी को प्रिय है, जो हमारे आचार्य गुरुदेव को प्रिय है, हम वह स्वरूप धारण करें। परंतु ऐसा ना करके हम स्वयं तो तिलक कंठी और झोली माला इत्यादि से दूर होते जा रहे हैं, अपनी वैष्णव परिधान जो है उसको छोड़कर स्वयं जैसे हो गए हैं वैसे ही अपने अनुसार ठाकुर जी को भी करते जा रहे हैं। जहाँ ठाकुर जी को माखन मिश्री और 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, वहाँ 56 भोग का भी स्वरूप हमने विकृत कर दिया, उसमें टॉफी बिस्कुट मावे अपने अकॉर्डिंग लगा दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। 56 भोग तो वह होते थे जो खुद मैया रसोई करके ठाकुर जी को बनाती थी और भोग लगाती थी, और ठाकुर जी के भांति भांति के श्रृंगार और ठाकुर जी का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णित है, उस स्वरूप के अनुसार जो सेवा मान्य थी, आज हम सेवा तो कर रहे हैं, परंतु यही विचार आप थोड़ा सा अवश्य करें कि हम किस भाव से और ठाकुर जी का स्वरूप क्यों परिवर्तित कर रहे हैं, हम क्यों ठाकुर जी को कैप, चश्मा, छतरी इत्यादि जो साधन है जो हमारे शास्त्रों में ना हमारे ग्रंथों में वर्णित है, ना ठाकुर जी का ऐसा कोई स्वरूप बताया गया, कहा जाए तो एक अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक सेवा और काल्पनिक स्वरूप कर रहे हैं। शायद उसी का परिणाम है कि हमें सेवा में भय आनंद नहीं आता। कुछ देर के लिए हमें सुख मिल सकता है, कुछ देर के लिए हमें सेवा करने में मजा आ सकता है, परंतु जो आनंद है, जो भजन बढ़ाए, जिस स्वरूप का दर्शन करके हमारा उनके प्रति भजन बढ़े, हम उनके प्रति सहज हो सके, ऐसा कोई भाव हमारा ठाकुर जी से नहीं जुड़ पाता। और ज्यादा अधिक आप लोगों से क्या कहूँ,
कुछ समय पूर्व मैंने ये भी देखा था कि किसी ने अपने गोपाल जी को मोमोज का भी भोग लगाया और एक पिक भी फेसबुक पे डाली, परंतु यदि उनसे कहा जाए तो वह कहते हैं कि आप लोग तर्क कर रहे हैं, हमारा भाव है तो हमारे भाव में हमारे भाव भी ऐसे हो जो इष्ट के अनुकूल हो, इष्ट के प्रतिकूल एवं गुरु विमुख जाकर हम कौन से भाव ठाकुर जी को निवेदन करना चाहते हैं। और देखने में यही आता है, हम लोग गोपाल जी की सेवा अपने घर में ले तो आते हैं एक दूसरे की देखा दाखी, परंतु वह भाव और उस स्वरूप जो स्वरूप हमारे आचार्यों द्वारा वर्णित किया गया उस स्वरूप में श्रृंगार न कर भांति भांति के अपने अनुसार श्रृंगार करते हैं। यदि हमने किसी गुरुदेव की शरण ली हुई है, यदि हम किसी आचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन अपने गुरुदेव और अपने इष्ट के लिए है। हम अपने गुरुदेव के अनुसार, अपने आचार्य परंपरा के अनुसार उसी भाव से अपने गोपाल जी को लाल लड़ाएं और अपने गोपाल जी का श्रृंगार करें, ना कि स्वयं मनमुखी रूप से उनका श्रृंगार और उन्हें भोग पवाएं, क्योंकि वह सेवा सिर्फ एक कहा जाए तो दिखाने वाली सेवा अवश्य हो सकती है, परंतु जो स्वयं का आनंद और इष्ट को आनंद प्राप्त करा सके ऐसी सेवा और ऐसे भाव तो आचार्यों की वाणी एवं ऐसा स्वरूप और ऐसे दर्शन सिर्फ रसकों की वाणी में मिल सकते हैं। तो आपसे बस करबद्ध इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो इस भांति के श्रृंगार ना करें जो उनका स्वरूप बताया गया है, मोर मुकुट है, पैरों में पाजेब है, हाथों में खड़ुए, गले में उनके कंठी, लालाट पर तिलक, ये श्रृंगार हम उनके करें और उन्हें वह भोग पवाएं जो उनकी रुचि के अनुसार है, ना कि अपनी रुचि के अनुसार भोग पवाकर और उसे भोग का नाम देकर स्वयं को पाने के उद्देश्य से करें, ऐसी सेवा ना करें। यदि हम सच में सेवा कर रहे हैं, और देखा जाए तो हमारे देवी देवताओं के कार्टून और मजाक भी इसीलिए बनते हैं क्योंकि प्रारंभ तो हम खुद ही करते हैं, दूसरे ही हमारी गर्दन तभी पकड़ते हैं जब हम पहले स्वयं उन्हें अपनी उंगली पकड़ाते हैं, तो हम ऐसी गलती या ऐसा अपराध ना करें कि दूसरा हमारी गर्दन पकड़ सके या हमारे देवी देवताओं के कार्टून बना सके, क्योंकि कार्टून तो हम उन्हें स्वयं बना देते हैं क्रिसमस दिवाली दिन या अन्य दिन, कि उन्हें सूट पहना दिया, उन्हें चश्मा लगा दिया, उन्हें कैप लगा रहे हैं और उनके आगे कार रख दी या उनके आगे रिमोट रख दिया, कहने के अर्थ कि हम खिलौने भी ऐसे रखते हैं जिनसे हमारे ठाकुर जी कभी खेले ही नहीं। हमारे ठाकुर जी तो चंद्र खिलौने से खेले, जब उन्होंने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तब नंद बाबा ने चंद्रमा के नीचे एक थाली में जल भर के रखा और जब उसकी परछाई जल में दिखने लगी तो ठाकुर जी को उस परछाई को चंद्र खिलौना समझकर खेल रहे थे, जहां उनके बाल स्वरूप में ऐसी लीलाएं और ऐसे वर्णन ऐसे लाल लड़ाए गए। तो हम किस भांति के लाल लड़ाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ना हम अपने इष्ट को सुख दे पाते हैं और ना स्वयं ही उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। और यही कारण है कि हम अपने अनुसार बात को तोड़ मरोड़ कर और अपने मनमुखी कर सेवा और अपने मनमुखी कर उन्हें भोग पवाते हैं, जबकि ऐसा ना करें। आप अपने गुरुदेव द्वारा उसी रस रीति के अनुसार जो आपकी आचार्य परंपरा है उसी के अनुसार लाड़ लड़ाएं, उसी के अनुसार ठाकुर जी को भोग पवाएं एवं उसी स्वरूप के अनुसार ठाकुर जी का श्रृंगार भी करें। यदि आप किसी गुरुदेव से जुड़े हुए ना हो तो जो ठाकुर जी का वर्णन, जो ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है उसी स्वरूप के आधार पर ठाकुर जी का श्रृंगार करें और उसी के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करें। हम देखें ठाकुर जी के सेवा में हम पंखे या फैन भी रख देते हैं, मच्छरदानी भी लगा देते हैं, परंतु ये सब आधुनिक साधन है, ठाकुर जी को तो चवर डुलाया जाता है। अब आप लोग खुद थोड़ा सा इस बात पर विचार करें कि यदि हम अपने ठाकुर जी के आगे पंखा लगा दें और पंखा चला कर चले जाएं कि यहाँ ठाकुर जी को ठंडक का एहसास हो रहा है, तो हम ठाकुर जी से दूर ही कर रहे हैं ये साधन। और यही यदि हम ठाकुर जी की सेवा में चवर रखें तो हम 10 से 5 मिनट ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होंगे, उन्हें अपने लाड़ अनुसार और भाव से जब उनको दर्शन करते हुए चवर डुलाएंगे, जब उन्हें सेवा प्रदान करेंगे, तो हमारा भी उनके प्रति भाव जगेगा
और ठाकुर जी को भी उस सेवा का सुख प्राप्त होगा। तो इस बात ही हम ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएं कि हमारे उनके प्रति निष्ठा भी बढ़े और उन्हें उस सेवा का आनंद भी प्राप्त हो और उस आनंद में हमें परमानंद प्राप्त हो। इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास।